फ्राइडे गेम्स चेकआउट में इस वीक जानेंगे यूबीसॉफ्ट की तरफ से आने वाले एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के बारे में। GTA 6 का एक नया राइवल जो कि जल्द ही रिलीज किया जा सकता है। GTA 6 का जोकर जिसने अब रॉकस्टार गेम्स के सामने एक बहुत ही फनी डिमांड रखी है। फिर NFS मोबाइल, रस्ट मोबाइल एंड काफी सारे फ्री गेम्स के बारे में भी जानेंगे इस वीक, तो बने रहो वीडियो के एंड तक। तो इस वीक सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक था पार्टवर्ड, जो कि एकदम नया ओपन वर्ल्ड सर्वाइवल गेम है जिसे पोकेमोन गेम्स की कॉपी भी बोला जा रहा है। और इसी वजह से बात इतनी आगे तक चली गई कि निंटेंडो, जिसे पोकेमोन कंपनी भी कहा जाता है, वो शायद इन्हें सू भी करने वाले। पाल वर्ल्ड अभी एक अर्ली एक्सेस गेम है जिसमें हमें एक ओपन वर्ल्ड मैप में क्राफ्टिंग बिल्डिंग करके सर्वाइव करना होता है। ये काफी कुछ सिमिलर है आर्क सर्वाइवल एंड वालहाइम जैसे गेम से, लेकिन इस वर्ल्ड में हमें देखने मिलते हैं पाल्स, जिन्हें कैप्चर करके हम इनको फाइट्स में ढेर सारी चीजों में यूज कर सकते हैं। एंड ये पाल्स ही मेन रीजन है इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी की, क्योंकि सबसे पहले इनके कैरेक्टर डिजाइंस काफी सिमिलर है बाकी के पोकेमोन से, इवन कुछ तो बस अलग अलग पोकेमोन्स के कॉम्बिनेशंस हैं। एंड दूसरी चीज, इसमें सारे ही कैप्चरिंग मैकेनिक्स देखने मिलते हैं जो कि हमने ओरिजिनल पोकेमोन में देखा था। लेकिन फिर भी लोगों को ये गेम बहुत पसंद आ रहा है, जिसका रीजन है इसके क्राफ्टिंग एंड पाल्स को ऑटोमेशन में यूज करने के मैकेनिक्स हो सकते हैं। इवन अभी तक इस गेम के 7 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुके हैं। एंड एकदम से पोकेमोन गेम का रिप ऑफ इतना पॉपुलर हो जाना निंटेंडो के लिए एक वेकअप कॉल ही है। हालांकि पाल वर्ल्ड अभी फिलहाल कॉपीराइट्स के बाउंड्री पर खड़ा हुआ है, लेकिन निंटेंडो का इस गेम को सू करना शायद इतना आसान नहीं होगा। रिसेंटली खबर मिली है कि GTA Online का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर PS4 एंड Xbox One से हटा दिया जाएगा, क्योंकि अब इन कॉन्सोल्स में वो बात नहीं रही। तो GTA Online को इन कॉन्सोल्स पर प्लेबल बनाने के लिए रॉकस्टार एडिटर को हटाने की बात करी गई है। इसी के साथ ही एडिटर पर जो भी क्लिप्स एंड प्रोजेक्ट सेव्ड होंगे वो भी रिमूव हो जाएंगे, लेकिन ये फीचर PS5 एंड Xbox सीरीज X एंड S एंड PC में बना रहेगा, क्योंकि इनमें अभी भी मॉडर्न स्पेक्स अवेलेबल हैं, वही PS4 एंड Xbox One अब थोड़े आउटडेटेड हो चुके हैं। तो GTA Online को कंटिन्यूअसली अपडेट किया जाता रहता है, जो कि आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। एंड यही रीजन है कि पुराने जनरेशन के कॉन्सोल से रॉकस्टार एडिटर को कम्प्लीटली हटा दिया जाएगा। एंड ये चेंज ना 20 फरवरी से अप्लाई होगा, तो उससे पहले अगर आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट है या फिर आपके पास कोई भी क्लिप्स हैं तो उसे एक्सपोर्ट करके रख लेना। नेक्स्ट न्यूज है इंडियाना जोन्स के एक न्यू गेम की, जिसका ट्रेलर रिसेंटली ही रिलीज कर दिया गया है। इस गेम का नाम होगा इंडियाना जोन्स एंड द ग्रेट सर्कल। ये एक एक्शन एडवेंचर गेम होगा जिसमें हम इंडियाना जोन्स बनकर डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स को एक्सप्लोर करते हैं, जिसमें ढेर सारे पजल्स एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन देखने मिलेगी। एंड ये गेम टूम रेडर एंड अनचार्टेड जैसा ही होगा, जिसमें हम स्टेल्थ कॉम्बैट भी यूज कर पाएंगे। हालांकि इंडियाना जोन्स इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन इस कैरेक्टर के ऊपर बहुत सारी मूवीज एंड वीडियो गेम्स बनाए गए। एंड इस ट्रेलर में हम साफ देख सकते हैं कि इंडियाना जोन्स के कैरेक्टर को कितने अच्छे तरीके से दिखाया गया है। इवन इस गेम पर काम कर रहे हैं मशीन गेम्स, जिन्होंने वुल्फस्टीन एंड डूम जैसे गेम्स में काम किया, एंड इसे पब्लिश करेंगे बेथेस्डा स्टूडियोज। तो इतना पक्का है कि गेम तो बहुत अच्छा होने वाला है। NFS मोबाइल की रिलीज डेट पता चल चुकी है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। वेल, गेम रिलीज हो सकता है 15 अप्रैल को, लेकिन सिर्फ चाइना के लिए। एंड फिलहाल ग्लोबल रिलीज का कोई भी आइडिया नहीं है। उम्मीद तो यही है कि चाइना के रिलीज के 2-3 महीनों के बाद इसका ग्लोबल रिलीज भी हो सकता है, लेकिन अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। बाकी कुछ समय पहले इसके बीटा वर्जन के गेम प्लेस देखने मिले थे, एंड उनमें ये बहुत ही स्मूथ चल रहा था। ऊपर से गेम के ग्राफिक्स की क्वालिटी तो बहुत ही अमेजिंग थी। कहा यह भी जा रहा है कि ये गेम ओपन वर्ल्ड भी होगा, तो ग्लोबल रिलीज के बाद शायद ये गेम रेसिंग कैटेगरी में एक टॉप लिस्ट कंटेंडर होगा। अब एक न्यूज ये भी मिल रही है कि यूबीसॉफ्ट एक नए रीमेक पर काम कर रहे हैं, एंड ये गेम पिछले साल से डेवलपमेंट में थी। एंड फॉर आवर सरप्राइज, जिस गेम की बात हो रही है वो कोई नया गेम नहीं, बल्कि Assassin's Creed Black Flag का रीमेक होने वाला है। यस, यूबीसॉफ्ट की तरफ से एक और रीमेक देखने मिलने वाला है। अब इंटरनेट पर लोग इस न्यूज से ज्यादा खुश नहीं है, एज यूबीसॉफ्ट नए IP की जगह किसी रीमेक पर ज्यादा फोकस कर रही है। इवन अगर रीमेक्स की बात की जाए ना, तो Ezio Trilogy को लेकर लोगों की उम्मीद काफी ज्यादा थी, लेकिन इस न्यूज के बाद लोग थोड़े से डिसअपॉइंटेड तो हैं। इवन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि यूबीसॉफ्ट Ezio Trilogy को हेट करते हैं, इसीलिए वो इसका रीमेक नहीं बना रहे। वेल, आपको लेकर इसका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। एक तो पहले यूबीसॉफ्ट के फैंस उनसे नाराज थे, लेकिन अब यूबीसॉफ्ट ने एक ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है जिसे सुनने के बाद शायद आप भी हैरान हो जाओ। रिसेंटली यूबीसॉफ्ट के एक एग्जीक्यूटिव ने स्टेटमेंट दिया कि गेमर्स को इस चीज से कंफर्टेबल हो जाना चाहिए कि वो जो भी गेम खेलते हैं वो एक्चुअली ओन नहीं करते। मतलब इस चीज का कोई सेंस नहीं बनता। अगर तुम किसी गेम की लाइसेंस कॉपी परचेज करते हो तो एक तरीके से तुमने वो कॉपी खरीदी ही नहीं। इस पर प्लेयर्स का बड़ा ही फनी रिएक्शन देखने मिला कि अगर परचेजिंग ओनरशिप ही नहीं है, देन पायरेसी कोई थेफ्ट ही नहीं। क्योंकि हमेशा कंपनीज के तरफ से पायरेसी को लेकर यही सुनने मिलता है कि पायरेटेड गेम्स की वजह से जो लोग गेम्स खरीदते हैं
उनके साथ इनइक्वालिटी होगी। वेल आई डोंट नो यूबीसॉफ्ट इस स्टेटमेंट के साथ कहां जा रही है। पॉसिबली ये सब यूबीसॉफ्ट के सब्सक्रिप्शन मॉडल को टारगेट करने के लिए ही बोला गया था। GTA 6 को लेकर एक और लेटेस्ट न्यूज डेवलपमेंट में है, एंड इस बार सबके सेंटर में फ्लोरिडा जोकर एक बार फिर से है। लेकिन इस बार वो पैसे नहीं बल्कि GTA 6 में काम मांग रहे हैं। जिन्हें नहीं पता तो ये लॉरेंस सलिवन है, जो कि अपने मगशॉट के लिए फेमस है, जिसमें ये डीसी वाले जोकर की तरह दिख रहा है, एंड GTA 6 में भी इसे ऐड किया गया, एंड इसी वजह से इसने रॉकस्टार के ऊपर केस करने की भी बात की थी। पहले तो इसने इन सब के बदले रॉकस्टार से $2 मिलियन इन डैमेज मांगे थे, लेकिन जवाब नहीं मिलने के बाद इसने रॉकस्टार को अल्टीमेटम दे दिया है कि अब इसे पैसे नहीं चाहिए बल्कि ये उस कैरेक्टर को वॉइस करना चाहता है। उसने बोला कि इसके कैरेक्टर को गेम में थोड़ी और स्टोरी दी जाए ताकि वो इस हिस्ट्री का पार्ट बन पाए, एंड इन सब के बदले वो रॉकस्टार गेम को सू नहीं करेगा। इस डील को पूरा करने के लिए सलिवन ने रॉकस्टार को 1 महीने का टाइम दिया है, लेकिन आप और मैं तो जानते ही हैं कि आगे क्या होने वाला है। बाकी अगर कुछ भी इंटरेस्टिंग होगा तो आप तक तो ये न्यूज पहुंच ही जाएगी। अब PS5 के डुअल सेंस कंट्रोलर्स भी PC के साथ कंपेटिबल होंगे विद द हेल्प ऑफ PCX सेंस, जिसे डेवलप किया है डेनालिन नाम के गिथहब यूजर ने। इस टूल की हेल्प से आप अपने डुअल सेंस कंट्रोलर को हैसल फ्री अपने कंप्यूटर पर यूज कर सकते हैं। लेकिन खास बात यह है कि अब डुअल सेंस के अडेप्टिव ट्रिगर्स और हैप्टिक फीडबैक भी काम करेंगे, जो कि इससे पहले दूसरे सॉफ्टवेयर से नहीं काम करते थे। इस पर इवन गेम क्यूब एंड निंटेंडो स्विच के भी ट्रिगर्स को एम्यूलेट किया जा सकता है, एंड ये इवन ब्लूटूथ के थ्रू भी काम करता है। तो अगर PC के लिए कंट्रोलर लेने का सोच रहे हो तो अब डुअल सेंस अपनी लिस्ट पर ऐड कर सकते हो। वेल, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके नाक के नीचे से एप्पल एंड एपिक वालों के बीच में एक कोर्टरूम ड्रामा चल रहा था, जिसका रिजल्ट आया 16 जनवरी को, एंड पूरी कहानी में एपिक को अब एप्पल को $73 मिलियन एज ए लीगल फीस देना हो। 2020 के अराउंड एप्पल एंड एपिक के बीच एक डिसएग्रीमेंट सामने आया था, जिसमें एपिक ने फोर्टनाइट में इन गेम पेमेंट को एप स्टोर से बायपास करते डायरेक्टली एपिक गेम्स को पे करने का फीचर ऐड किया था, जो कि एप स्टोर के हिसाब से एक रूल वायलेशन था, एंड इसी के चलते फोर्टनाइट एप्पल स्टोर से हटा दिया गया, एंड पूरा मामला कोर्ट तक पहुंच गया। एंड आखिर इतने दिनों के डिस्प्यूट के बाद पूरा मैटर 16 जनवरी को सॉर्ट आउट हुआ, एंड लीगल फीस के रूप में अब एपिक एप्पल को हैवी अमाउंट पे करेगा। इसी के साथ अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही है कि माफिया 4 भी जल्दी देखने मिल सकता है। वेल, इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है, लेकिन इसको लेकर ढेर सारे हिंट्स अवेलेबल हैं, एंड इनमें से एक प्राइम हिंट तो 16 जनवरी को ही ड्रॉप हुआ। बेसिकली एक आर्टिकल ने 2022 में बताया था कि हैंगर 13, जो कि माफिया 2 के डेवलपर्स हैं, वो 2 के प्रोडक्शन के साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जो कि एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइज टॉप स्पिन का ही एक नया गेम टॉप स्पिन 2K25 स्पेकुलेट किया जा रहा था, जिसके बाद पूरा प्रोडक्शन माफिया के अनटाइटल प्रोजेक्ट पर शिफ्ट हो जाएगा। एंड फाइनली इस 16 जनवरी को हमें टॉप स्पिन 2K25 का अनाउंसमेंट ट्रेलर देखने मिला, जिसके बाद इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके पता चला कि इस गेम में हैंगर 13 ने भी काम किया, जिसका मतलब ये बात कंफर्म मानी जा सकती है कि अब हैंगर 13 माफिया 4 पर भी काम कर रहे हैं, एंड हमें जल्दी गेम से रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देखने मिल सकती है। तो माफिया फैंस के लिए इससे बड़ी गुड न्यूज और क्या ही हो सकती है। एंड फाइनली अब माइनक्राफ्ट बेडरॉक ₹29 में मिल रहा है ऑन प्ले स्टोर। यस, मैं मोबाइल वर्जन की ही बात कर रहा हूँ। हालांकि कई लोग इसका क्रैक्ड वर्जन खेलते हैं, लेकिन भाई ₹29 में मिल रहा है तो डेफिनेटली इसे बाय कर लेना ताकि आप ऑफिशियल सर्वर्स में भी खेल पाओ। रस्ट के मोबाइल वर्जन को लेकर भी रूमर्स आए हैं कि ये गेम भी अंडर डेवलपमेंट में है, एंड इस साल के एंड तक हमें इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने मिल सकता है। रस्ट बेसिकली एक ओपन वर्ल्ड मल्टीप्लेयर सर्वाइवल गेम है, जो कि PC पर ज्यादा पॉपुलर है, जिसमें हमें दूसरे प्लेयर्स के अगेंस्ट सर्वाइव करना होता है एंड बेस वगैरह बनाना होता है। रूमर्स के अकॉर्डिंग मोबाइल पोर्ट पर काम कर रहे हैं लेवल इनफाइनाइट, जिन्होंने PUBG मोबाइल, ऑनर ऑफ किंग्स एंड असैसिन्स क्रीड जेड जैसे गेम्स को भी पब्लिश किया है। तो देखते हैं ये रूमर्स कितने परसेंट तक सच निकलते हैं। लास्ट में अब बात करते हैं फ्री गेम्स की। तो यूबीसॉफ्ट ने अपने ढेर सारे टाइटल्स को फ्री कर दिया है। इनमें से 2 असैसिन्स क्रीड IPs भी इन्वॉल्व है, पहला है मिराज एंड दूसरा है वालहाला। इन्हें क्लेम करने के लिए आपको यूबीसॉफ्ट के सब्सक्रिप्शन सर्विस को सब्सक्राइब करना होगा, जिसके बाद आप इन गेम्स को बिना पे करे खेल सकते हो। अब एक तरीके से ये गेम्स फ्री भी हैं और फ्री नहीं भी, बाकी आप लोग ज्यादा समझदार हो। एंड एपिक गेम्स पर इस वीक फ्री होगा इन्फिनी फैक्ट्री, जो कि एक सिंगल पर्सन पजल गेम होने वाला है। बाकी गेम में हॉरर का भी टैग दिया गया है, तो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। तो बस फ्राइडे गेम्स चेकआउट में बस इतना ही। वेल, इनमें से अगर कोई भी न्यूज अगर आपको इंटरेस्टिंग लग गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। हैप्पी वीकेंड्स, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे।